दिल्ली जो है, दिल्ली गैस चैम्बर की तरह बन गई है और पूरा देश चिंतित है क्योंकि देश की राजधानी है, जहाँ भारत सरकार के तमाम ऑफिसेज हैं राजधानी के रूप में। देश विदेश में आप देखते हैं कि लोग आते जाते हैं, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो राजधानी होती है, उसका अपना महत्व होता है। वो अगर गैस चैम्बर बन जाए तो आप सोच सकते हो फिर क्या होगा। पूरे देश को चिंता है। कल परसों मैं दिल्ली में 2 दिन रहा तो मैंने ही महसूस किया कि वास्तव में लोग वहाँ पर जो अनुभव कर रहे हैं, जिस प्रकार प्रदूषण फैल रहा है उससे ये लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज भी आंकड़े आ रहे थे 30% संख्या बढ़ गई मरीजों की, तो आप सोच सकते हो कि एक चिंता का विषय है। इसलिए मैंने देखा कि जयपुर की तरफ आ रहा हूँ, राजस्थान की तरफ आ रहे हैं, भरतपुर है, अलवर है, जयपुर है, और जगह आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए हम लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं भारत सरकार से भी, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप खाली दिल्ली सरकार के ऊपर नहीं छोड़ें, बल्कि दिल्ली सरकार ने खुद ने रिक्वेस्ट करी है भारत सरकार से और मिस्टर जावड़ेकर से कि आप इनको दिखवाएँ। टॉप प्रायोरिटी पे ये हल होना चाहिए और परमानेंट स्थायी रूप से कैसे समस्या का समाधान हो। सुप्रीम कोर्ट बार बार चिंता व्यक्त कर चुका है, परंतु सालों से हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है। इस बार तो सारे रेखा पार कर चुका प्रदूषण वहाँ पर, और ये पीस मिल में हम एक्शन करेंगे, स्कूल बंद कर दी या फैक्ट्री बंद कर दी 5 दिन के लिए, इससे नहीं काम चलने वाला। परमानेंट जो समस्या की जड़ क्या है, क्या जो परल चलाई जाती है पंजाब में हरियाणा में वो है या और कोई कारण है, तमाम तरह रिसर्च हो करके, और रिसर्च हो भी रही होगी मैं समझता हूँ, उसके रूप में स्थायी समाधान कैसे हो जिससे कि दिल्ली में ये समस्या समाधान हमेशा के लिए हो जाए, ये हमारी सोच है।